नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में जिसका नाम है टेक्निकल एंड मैकेनिकल सुमन। दोस्तों, हमारे बहुत से अभी मैकेनिक्स भाई हैं जो अभी पुराने समय में ही जी रहे हैं, जैसे एनालॉग मीटर एनालॉग किट इस्तेमाल कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये सही है, लेकिन दोस्तों समय बदल रहा है, समय के साथ आप भी बदल जाइए। बहुत सारे में हमारे मित्रों का कहना भी ये भी है कि डिजिटल मीटर सक्सेस नहीं होते हैं, कुछ दिन के बाद ख़राब हो जाते हैं। उनका भी कहना सही है, लेकिन इस किट का इस्तेमाल करें, आपका डिजिटल मीटर खराब होने की संभावना 90% कम हो जाएगी। और चलिए इसकी हम डाटा बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये किट जो है उसमें ट्रांसफार्मर के डाटा के अनुसार आप देख सकते हैं कि इसमें 92 वोल्ट, 136 वोल्ट, 166 वोल्ट, 200 वोल्ट और 440 के लिए 276 वोल्ट का टेपिंग है इसमें। और इसकी जो रिले जो 24 वोल्ट ऑपरेट करेगी वो 18 वोल्ट है। तो चलिए एक के भी का हम ट्रांसफार्मर डाटा आपको बताने जा रहे हैं। इसमें डिजिटल किट और साथ में डिजिटल मीटर इंक्लूड है। तो चलिए इसका डाटा 1 KVA ट्रांसफार्मर डाटा, जिसकी बॉबिन साइज होगी 4 नंबर 2.5 इंच, यानी कि 4 नंबर 2.5 इंच में इसका इस्तेमाल करना है। प्राइमरी जो है इसकी 21 नंबर वायर से यूज करना है, जबकि सेकेंडरी 20 नंबर की। और अगर आपको लगता है कि आपको नए हैं, ट्रांसफार्मर सही से नहीं रिवाइंड कर पा रहे हैं, तो जो 440 के लिए यानी कि 200 वोल्ट से 276 वोल्ट यानी कि 76 वोल्ट जो है वो आप 21 नंबर से रिवाइंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अब इसकी जो ट्रिगर है वो 50 टर्न होगी और वो भी 23 नंबर वायर से, क्योंकि इसमें आप दो तरह की किट लगा सकते हैं। एक जो चिप सेट रिले आते हैं वो किट लग सकता है, अन्यथा एक जनरल किट लगेगा, उसमें आप 10 एम्पियर का रिले का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चलते हैं इसकी हम ट्रांसफार्मर डाटा की ओर। तो दोस्तों, इस ट्रांसफार्मर डाटा में एक बार सुनने के बाद आपको दोबारा सुनने नहीं करना है। और इसकी जो प्राइमरी यानी कि 0 से 92 वोल्ट जो है ये आपको 21 नंबर से, और बाकी सब आपको ये जो है 20 नंबर का यूज करना है। अगर आपको लगता है कि आपका ट्रांसफार्मर फूल सकता है तो आप जो है 200 से 276 वोल्ट जो है ये आप जो सिंपली इसको 21 नंबर से रिवाइंड कर सकते हैं। तो चलिए अब 0 वोल्ट के लिए 0 टर्न यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ पर न्यूट्रल होगा आपका। उसके बाद 92 वोल्ट के लिए 255 टर्न, 136 वोल्ट के लिए 377 टर्न, 166 वोल्ट के लिए 260 टर्न और 200 वोल्ट के लिए 554 टर्न। जो 554 टर्न है ये 200 वोल्ट के लिए, और 276 वोल्ट के लिए है 765 टन। दोस्तों, ये 90 से 440 तक वर्क करेगी। ये जो 276 200 वोल्ट ये उसकी किट के डिजाइनिंग वोल्ट है, उसके टेपिंग सेलेक्टिंग वोल्ट है, जो उसके अनुसार आपको टेपिंग करना है। लेकिन ये आपको 90 से 440 तक वर्क करेगी। और ये आपको जो जनरल किट की जो है किट की भाषा जो उसकी प्रोग्रामिंग की गई है उसके किट के अनुसार ये ट्रांसफार्मर की वोल्टेज है और उसके अनुसार आपको वर्क करना है। इसमें आपको कहीं भी कोई चेंज नहीं करना है। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।